बड़ी अजीब बात है ना, दिल भी सानिया का टूटा और ट्रोल भी सानिया ही हो रही है। जिस सानिया ने एक डिसीजन लिया बड़ी मुश्किल से, उन पर ही सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शी डिजर्व्स दैट, बहुत सही हुआ उसके साथ, मैं तो उसके लिए बिल्कुल भी बुरा फील नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, आप सोशल मीडिया जाकर स्क्रॉल करेंगे तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स दिख जाएंगे जहां पर लोग सानिया को ट्रोल कर रहे हैं उल्टा। मतलब शादी शोएब मलिक ने करी और ट्रोल सानिया हो रही है। हालांकि सानिया मिर्जा के फादर जो इमरान मिर्जा हैं, उन्होंने आकर ये बात जरूर कह दी कि सानिया ने खुला लिया था और खुला लेकर ये डिवोर्स लिया है। अब इस्लाम में खुला का मतलब ये होता है कि जो वाइफ होती है वो डिवोर्स को इनिशिएट करती है और हस्बैंड के खिलाफ यूनिलैटरल डिसीजन लेती है। मतलब वहां पर आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इनिशिएशन था, ये था सानिया की तरफ से। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गले से नहीं उतरेगी आपके। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब से पहले जब जब सानिया मिर्जा से ये सवाल पूछा गया था कि कुछ आप दोनों के बीच में कुछ दिक्कत चल रही है क्या, क्या आप दोनों अलग हो रहे हैं, क्या आप दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो सानिया ने हमेशा कहा था कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये सब रूमर्स है। ऐसा लग रहा है कि सानिया कोशिश बहुत टाइम से कर रही थी इस फेल मैरिज को सक्सेस बनाने में, इस मैरिज को बचाने में, रोकने में। और शायद इसी वजह से उन्होंने लगातार जब जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ दुरुस्त है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ शोएब मलिक सना के साथ दिख रहे थे अलग अलग जगह पर, जिनसे उनकी शादी हुई है फिलहाल, उनके साथ वो दिख रहे थे। कहीं भी वो एक रियलिटी शो में दिख जाते थे और कहीं कहीं उनकी वीडियोस बाहर आती थी। लेकिन उस टाइम पर किसी को शक नहीं होता था क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपका एक बच्चा है, तो इस वजह से शक नहीं होता था। लेकिन बहुत लोग सवाल करते थे और सवाल जब सानिया से होता था तो सानिया बचा लेती थी। लेकिन कुछ दिन पहले सानिया ने एक स्टोरी डाली थी, उस स्टोरी में क्रिप्टिक सा मैसेज छुपा था। उन्होंने स्टोरी में लिखा था कि मैरिज इज हार्ड, डिवोर्स इज हार्ड, चूज योर हार्ट। ऐसा लग रहा है कि सानिया ने अपना हार्ट चुन लिया। सानिया को पता था कि मैरिज हार्ड है, हार्ड मुश्किल चल रही है, लेकिन डिवोर्स एक मुश्किल डिसीजन है। लेकिन दोनों मुश्किल में से एक मुश्किल तो तय करनी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि बीइंग फिट इज हार्ड और बीइंग ओबीस इज हार्ड, चूज योर हार्ट। उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन इज हार्ड बट कम्युनिकेटिंग इज ऑल्सो हार्ड। तो अब ये पूरे हार्ड में लास्ट में सानिया ने लिखा था कि चूज वाइजली। अब ऐसा लग रहा है कि सानिया मिर्जा ने बहुत वाइजली ये डिसीजन लिया, या फिर सानिया के हिसाब से यही डिसीजन वाइज था। शायद शोएब और सानिया के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो गया था और इसीलिए उन्होंने लिखा था कि कम्युनिकेशन इज हार्ड एंड नॉट कम्युनिकेटिंग इज ऑल्सो हार्ड। अब सानिया ने यह डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन सानिया के इस डिसीजन को बहुत अच्छे से हमारे कंट्री में शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि धोखा हुआ है, गलती हुई है। ठीक है, अगर गलती भी थी तो थी, सानिया ने डिसीजन लिया और मुझे ऐसा लगता है कि इस डिसीजन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी है ना, उनका भी डिवोर्स हो चुका है, यहां सानिया इनका भी डिवोर्स हो चुका है, क्यों ना ये दोनों शादी कर लें। मतलब दिल किसी का टूटा और मजे कोई ले रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे फैसले में, इस पूरे खबर में, इस पूरे विवाद में क्या वाकई सानिया की गलती है? एक इंसान से मोहब्बत करना, उससे शादी करना, उसके साथ रहना, उस शादी को बचाने की कोशिश करना, और नहीं अगर हो पाए तो उसको छोड़ देना, यही होता है ना। सानिया ने भी यही किया। क्या आपको लगता है ये गलत है, या आपको लगता है कि सानिया अपनी जगह पर सही है? जो भी आपको लगता है मुझे अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।